Assalamualaikum everyone, क्या हाल चाल है आप सबका। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप लोगों की निशू खान डायनासोर वाले जमाने की बहुत जमाने बाद में व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को पेशावर लेके जा रही हूँ अपनी बहन की तरफ। बेसिकली सनम अपना ब्रांड लॉन्च करने लगी है जिसका नाम है जामे। जामे एक पश्तो का नाम है, मीन्स कपड़े। सो उसका BTS मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, लिंक वगैरह शेयर करूंगी अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना हो। आई हैव नो आइडिया कि मैं क्या रिकॉर्ड करने लगी हूँ, बट मेरे ख्याल से बड़ा मजा आएगा। अकेले जा रही हूँ, सो लेट्स गो विद मी एंड लेट्स बिगिन विद द व्लॉग। भूल गए भाई कैसे रिकॉर्ड करते थे। सो अपनी बहन का मुंह मीठा करने के लिए मैं तहसीब का बिस्कुट लेके जा रही हूँ, क्योंकि सुबह में कोई केक रेडी नहीं थे और ये शूट रमज़ान से पहले था। तो मैं गाने सुनते सुनते अपने गलम को कह रही हूँ, अपने गम को गलत करते करते पहुँच गई सनम के घर। पर्दों को छोड़ो, बेड के ऊपर कपड़ों को देखो जरा। कपड़े किधर हैं बेड? वो देखो। अच्छा, ऊपर मैं फाइनली अपनी प्यारी बहन के घर आ गई हूँ। कपड़े तो छोड़ो, बहुत सलीके वाली है ये। मैंने अपना इंस्टा पे बड़ा नाम बनाया, इसका नाम बना रहे छुपाओ कपड़े फटाफट। इंस्टाग्राम पानी में गई पड़ी। मेरी बात सुनो, नीचे कोई बेचारा आया वह घंटियों पे आ रही हमारी। ऐसे जाऊंगी, रुको मैं अपना ड्रेस दिखाती हूँ लोगों को। अच्छा जनाब, तो मेरा ड्रेस लुक्स लाइक दिस, ठीक है करीब से दिखाऊं। और ये मेरी बहन के तीन अदद मुन्ने। टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं सारे के सारे। रावे ये तो एक हुसन पद खत्म दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो कह रहे चिन माचिन खा पे रहे समा खो। इतनी प्यारी तो बच्चे तो प्यारे हो नहीं है, दिखाने तुझे भी नजर लगे। गंदी हाँ जी, ये इस ब्रांड की ऑनर है, ये इस ब्रांड की। इतनी मेहनत लगती है, ये देखो जरा हर एक सूट पे ये अपने नाजुक हाथों से टसल्स लगाएगी। मैं सूट पे ही लगा रही हूँ। हबी हबी ऐसे बुलाते हैं शोर को। आया लीजिए ना बस एक ट्रे, ये तो मैं भी ला सकती थी। चोर का गुलाम। ये मेरी सुगड़ बहन है, ऐसे चाय डालते होते हैं ना सारी गिरा के। ये मैंने नहीं इससे गिराई और अब वीडियो बना रही थी। रुको रुको, अस्तगफिरुल्लाह झूठी। गाना बंद करो ना। दे 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 वो नेचुरल। अरे नहीं नहीं और इधर हो जो ना, क्या उसके टायर खराब कर रही हो अपने इधर। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आपकी तो कोई किसी को परवाह ही नहीं है, बस खैर हम किसने ये मुसलमान हो। अभी रोमियाल बहन के मोटरसाइकिल पे उड़ने चलोगी। सो ये रहे सारे सूट, ठीक है पीछे पड़े हुए। इसका शूट हमने करने अभी जाना है, बहुत प्यारे प्यारे सैंपल्स हैं। और सनम अभी गई है अपनी बच्ची को छोड़ने के लिए स्कूल, क्योंकि उसके स्कूल में कोई फंक्शन था। इतनी कोई गर्मी है पेशावर में, शुक्र है मैं खद्दर का सूट पहन के नहीं आई, वरना तो मैंने पिकोड़ा बन जाना था। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। बहुत लेट हो गया, उसको मैंने बोला था मैं जल्दी फ्री होंगी तो मैंने घर भी वापस जाना है, बट लगता नहीं है कि 5-6 बजे से पहले पहले मैंने फ्री हो जाना है। पेशावर में ड्राइविंग करना महाज है और आज मैं महाज पे निकली हूँ, महाज पे। स्टाइल मारो, इतने बुरे हालात मेरे मरी उधर गई हूँ, मासी लग रही थी स्कूल उसके सारे इतनी ऐश कर रहे हैं। गुप्ता लग रही है, फिट पार क्यों की है? मेरी मर्जी, जाना नहीं है चलो। 2 सेकंड लगते हैं पार्किंग से निकालने में। चल चल बंद कर, वैसी तकदीर है। ओहो अरे यरवल के यरवल। सो भाई बिफोर करिश्मा और आफ्टर करिश्मा, मेरी बात माने तो भाई अगर आप एक ड्रॉप क्रीम भी मुंह पे लगा लें और थोड़ा सा मस्कारा लगा लें तो भाई हुलिया ज़रा बेहतर हो जाता है। और मैं तो मुंह चुक के आ गई थी घर से, तो यहाँ मेरा हुलिया जो है मेकअप आर्टिस्ट ने दुरुस्त किया है। मुझे इनका नाम भूल गया, ज़रा मुझे सनम से दोबारा पूछने दें। पेशावर में टाउन में है इनका सैलॉन, बहुत फिट मेकअप किया था इन्होंने मेरा। रात तक मेरा मेकअप वैसे का वैसा ही था। थोड़े जुल्फे भी लहरा
कब से लगी हुई, कब से लगी हुई हूँ, इतनी प्यारी लगी, बड़ी प्यारी लगी। जेलस जेलस लोग ऐसे होते हैं। ये चिकन लेने जा रही थी क्यों? बाजी बोल। ओ ये तो मेरी बना रही हो। तुम्हारा डबल चिन मैं लेके आऊं ना बीच में। कवा तो कवा। तुम जितना भी खेंच लो फिर भी नजर आता है। फिर हम इस खूबसूरत सी लोकेशन पर तशरीफ़ का टोकरा ले आए और चेक करें ज़रा भाई, कोई हवेली टाइप सीन थी, विला था, जो भी था, पेशावर में है ये लोकेशन। नाम मुझे भूला पड़ा है, सनम से जाके पूछ लें उसके DM में, या अगर मुझे पता लगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। दो वीडियोग्राफर फोटोग्राफर थे, एक का नाम था फवाद कैप्चर्स, एक का नाम था हर्ष स्टूडियो बाय फादी। दोनों को मैं स्क्रीन पर टैग करी हूँ, इनके इंस्टाग्राम हैंडल जाकर आप चेक कर सकते हैं। दोनों को अपनी शादियों के लिए बुक कर सकते हैं, किसी भी इवेंट के लिए बुक कर सकते हैं। तो ये है सनम के ड्रेसेस में से फर्स्ट आर्टिकल, विच इज़ कॉल्ड डेजी, एंड आई लव द प्रिंट। द फैक्ट इज़ कि मैं बहुत ही हैवी और बल्की हो चुकी हूँ, लाइक मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, बट फिर भी इस ड्रेस में मैं बहुत ही क्यूट नज़र आ रही थी। अगर आपको वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद हैं बट प्लस मॉडर्स्ट एज वेल, देन आई थिंक आपको सनम की ये वाली कलेक्शन बहुत प्यारी लगेगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मेंशन कर देती हूँ। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, अगर आपको ये नहीं तो कोई और ज़रूर पसंद आ जाएगा। सारे बहुत ही क्यूट क्यूट आर्टिकल्स हैं, इवन द कलर आर सो रिफ्रेशिंग। ये देखो कितना प्यारा सुखुल अख़कार है, अल्लाह कसम ये पदी सपूटी के खुल अख़कार है। मेकअप इज मेकअप, इतना कोई प्यारा और हसीन लग रहा है। लोकेशन इतनी जबरदस्त है, ये हो गया ना कि जिस ड्रेस में मैंने शूट किया सिर्फ वो एक वाहिद ड्रेस था जो मुझे पूरा था, बाकी सारे टाइट। डीप डाउन मेरे दिल में बहुत दुख है, लेकिन मैं खुश भी हूँ कि सारी ख्वालियाँ अब सनम को अकेले करनी पड़ रही हूँ। वहाँ मैं एक हूँ लुक्स बिग, दूसरा वाला छोटा है ना, मतलब बड़ा लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन। चलो खैर, तो अभी मैं बैठी आराम कर रही हूँ, सनम जो है वो अपने काम ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे वन बाय वन उसके सारे आउटफिट्स मैं आपको दिखाऊंगी। सेकंड वाला तो बहुत ही प्यारा है भाई, बहुत प्यारा है। इतनी फिट लग रही हो ना, बस बस अब मस्त नहीं लगा पहले ये थी, इतनी बुरी लग रही The edge back okay. Sure. All the way your okay sir, elbow over there, nice, yeah, luck shine slightly, oh perfect, yeah that's good, you have to look up straight there, reflector up go rakha, Afif can you help me with the light, you know just point it upside, I want to avoid this shadow, you want to, I just want light. Yeah. इतनी डरावनी स्टेयर्स आपने भूत बंगले में देखी होंगी, मुझे ऐसे लग रहा है मैं पैर रखूंगी किसने यहाँ से टूट जाना है, मैंने नीचे डेग जाना है, बट खैर मैं तो इतनी मोटी हो गई यहाँ कि मैं इतनी चुनी सी जगह से निकल नहीं सकती, लेकिन उतरना बहुत मुहाल है भाई, गड्ढे मेरे फारग हो चुके हैं। मुझे देख ली मैं किस तरह से उतर रही हूँ, कोई घुटनों का डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताए, घुटने मेरे इंतकाल कर चुके हैं, 10 जन्म में तो मैं नीचे उतरूंगी और तुम्हें शूट भी मुका देना अपना। मैं आपको घोड़ा दिखा दी, घोड़े की रेस में अब गधे भी दौड़ेंगे, पीछे वाले जो है ना वो बिल्कुल गधे ही लग रहे हैं, वो 2 अदद देखें, आगे वाले जो है वो 5 अदद घोड़े हैं,
ये किसने ड्राइंग बनाई, मुझे लगता है ये मेरे जैसे आर्टिस्ट ने ड्राइंग बनाई है। चलो भाई इस पे फोकस करते हैं। ये तो टूटा हुआ है रे यहाँ से। या अल्लाह खैर। वही वही जगह बड़ी सोनी है। एक एक अदद कड़ंग की आवाज़ आई ना, मैंने ऐसे स्पीडोमीटर से नसना है ना कि मेरे फरिश्तों को भी मैं नज़र नहीं आऊँगी। मुझे इतना सख्त डर लगता है। बट खैर दिस शीश महल इज़ वेरी प्रिटी। बुकिंग्स वगैरह के लिए ये अवेलेबल होता है जी, पेशावर में ख़ास। आई लाइक दिस कमदास। आई किधर से थी बोला है जो मुझे पता होगी मैं किधर से आई थी। अंधेरा हो गया है और अभी भी ना सनम के दो ड्रेसेस रहते हैं जिसका शूट ही नहीं हुआ। वो कह रही है कि वो वाकेंट लेकर आऊँगी अंदर, उसके बाद शूट कराऊँगी। और अभी भी काम चल रहा है, काम पे चल रहा है गरीबों वो वाला हिसाब किताब है। थक टूट गए हैं, मैंने क्या किया है सारा कुछ वही कह रही है। एंड शी सेड कि वो थक गई है। अभी हम जाएँगे टाउन, मैंने एक लड़की को ड्रॉप करना है, सैलॉन वाली है, उसको ड्रॉप करेंगे, देन सनम को ड्रॉप करूँगी, देन आई विल गो बैक घर सीधा। ओके रेडी स्टार्ट स्टार्ट गुड। बत्ती क्यों ऑफ कर दी तुमने, बत्ती ऑन करो। इतना अमीर होना है कि ड्राइंग में ये लटकता हुआ झूमर हो, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बस इतना अमीर होना है भाई, जगह जगह घर बनाने और उसको फिर शूट के लिए देने हैं, क्या विल्ला क्या लश पश पश, बस इतना अमीर होना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, जो है उस पर भी बहुत शुक्र। लेकिन इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि बस पूछो मत कि पागल हो जाना है मेहनत करके और पैसा कमा के। फिर मैं आपे अपनी ड्राइवर, तो मैं पेशावर से निकल पड़ी और सही सलामत मैं घर पहुंच गई भाई पेशावर में। सलूट है जो लोग रह रहे हैं भाई, गाड़ी कैसे चलाते हो, रिंग 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 के तो ना रश, हाय हाय पूछो मत। तो बस मैं ऐसे जंपा मार के लेट गई, तो मैंने आराम किया, सुबह में उठी, फिर खायस का शूट था इसीलिए यही सेम सूट मैंने पहना। इतनी बिजी खातून हूँ कि कपड़े चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, डिस्क्रिप्शन में जामे की लिंक मेंशन है, नाक साफ करें, गुड बाय।